NTAUGCNET, Unimaginet. Download it on Google Play Store. सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल की। मुख्य रूप से कम्युनिकेशन के अंदर तीन मॉडल का जिक्र किया गया है हमारे पेपर के अंदर। वो है, एक हमारा लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है, और दूसरा है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल, और तीसरा है दोस्तों हमारे पास ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझने की हम कोशिश करेंगे। और वैसे हमने यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लीनियर मतलब एक लाइन के अंदर चलने वाला कम्युनिकेशन। द लीनियर मॉडल बिहेव इज ब्लू बाय इट्स नेम, वेयर ए सेंडर एनकोड ए मैसेज बाय ए चैनल एंड द मैसेज इज डिकोडेड बाय द रिसीवर। देखिए, इसे हम एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो मैसेज दिया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी चैनल के द्वारा दिया जाता है, और वो एक सीधी रेखा में होते हैं। सीधी रेखा का मतलब ये होता है दोस्तों, उसके अंदर फीडबैक आने की संभावना बहुत कम होती है, और अगर फीडबैक आता भी है तो वो बहुत लेट आता है। उसके अंदर एक सीधी रेखा में जो है मैसेज जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में लेके चले, जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, हम फीडबैक नहीं दे सकते टीवी के ऊपर, और अगर हम फीडबैक देना भी चाहें तो वो क्या है कि जैसे पहले आपने देखा होगा कि पहले के समय में जब टीवी पे प्रोग्राम आते थे तो हम चिट्ठी लिख के, पत्र लिख के अपने विचार वो साझा करते थे। ठीक है, और ऐसी देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, पहले जो टीवी कार्यक्रम हुआ करते थे तो उसके अंदर हम फीडबैक देते थे, अपने गाने की रिक्वेस्ट करते थे, तो वो क्या है कि जैसे विविध भारती हो गया, आकाशवाणी हो गया, तो उसके ऊपर हम अपना पत्र लिख के उनको बताते थे कि हमें ये गाना अच्छा लगता है ऐसे, और अपनी प्रतिक्रियाएँ देते थे। यानी कि लीनियर कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो सीधा डायरेक्ट होता है, और उसमें फीडबैक है वो बहुत कम मिलने की संभावना होती है, और अगर मिलता भी है तो वो बहुत लेट जाके हमें फीडबैक मिलता है। तो इसकी खासियत ये होती है, और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सेनन एंड वीवर ने, 1949 के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये एक घुमा फिरा के भी दे सकते हैं एग्जामिनर, वो इसको कन्वर्ट करके दे सकते हैं। जैसे कि जो टीचर है वो क्लास के अंदर लेक्चर देते जा रहा है, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होगा। अब देखिए, जो टीचर है वो लेक्चर दे रहा है, ठीक है, लेक्चर दिए जा रहा है, फीडबैक नहीं ले रहा किसी का, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल होगा, क्योंकि वो फीडबैक नहीं ले रहा, ठीक है, अपनी बात केवल बता रहा है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, आगे हमारा दोस्तों इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, द स्पीकर और सेंडर ऑफ द मैसेज आल्सो लिसन टू द फीडबैक गिवन बाय द रिसीवर और लिसनर। अब देखिए, इसको भी हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर क्या है कि इसके अंदर हम जो संदेश देते हैं उसका हमें फीडबैक जल्दी मिलने की संभावना होती है। और जैसे कि हम इसे एक छोटे से एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि आज के टाइम में क्या है कि जैसे टीवी पे प्रोग्राम आते हैं आज भी, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि लाइव हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपकी क्या समस्या है और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, जल्दी से मैसेज कीजिए, तो वो जल्दी फीडबैक हमें मिलता है। और दूसरा इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हम लेते हैं जैसे व्हाट्सएप पे। अब देखिए, व्हाट्सएप पे किसी ने कहा कि टेल मी, दूसरा कह रहा है व्हाट, फिर वो जो पहले वाला व्यक्ति कह रहा है एनीथिंग, फिर जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग नाउ। यानी कि इस तरीके से जो इसमें फीडबैक है वो जल्दी मिलता है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक और खासियत ये होती है कि बारी बारी से दोनों अपना कन्वर्जेशन करते हैं, अपनी बात करते हैं। जैसे पहले एक आदमी कुछ बात कहेगा, फिर दूसरा उसका रिप्लाई देगा, फिर पहले वाला आदमी कुछ पूछेगा, फिर दूसरा उसका रिप्लाई देगा। यानी कि बारी बारी से अपना कम्युनिकेशन करते हैं, अपने विचार, अपनी भावनाओं, इच्छाओं को शेयर करते हैं, जैसे आप ये चैटिंग देख रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव, यानी कि
एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना, जैसे कि हम लाइव चैट करते हैं, ठीक है, तो जैसे फेसबुक पे करते हैं, तो ये हो गया हमारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल हो गया। और ये दोस्तों ये दोनों तरह का हो सकता है, यानी कि वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, यानी कि हम अपने बॉस के साथ भी ऑफिशियल बात कर सकते हैं और अपने यार दोस्त के साथ भी बात कर सकते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर हम एक साथ बहुत से लोगों के साथ बात कर सकते हैं और इसमें जो मैसेज हैं वो बहुत जल्दी फीडबैक होता है हमारा, आमने सामने बैठ के कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है हमारी उसमें हम कर सकते हैं। जैसे कि ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि ये जो लोग हैं ये दूसरी जगह पर बैठे हैं और ये दूसरी जगह पर बैठे हैं, ये एक दूसरे से, ये लोग और ये लोग एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने आंसर कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर अपनी बारी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये व्यक्ति कुछ बात बता रहा है तो बीच में ये जो औरत है इसकी बात को काट सकती है, पूछ सकती है कि ये बात कैसी होगी क्या होगी, तो इस तरीके से इसके अंदर कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ। और दूसरा हम इसके अंदर ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि यार दोस्त बैठे हैं, पांच यार दोस्त बैठे हैं और वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दूसरा ये कुछ बात कह रहा तो ये इसकी बात काट सकता है, हंसी मजाक कर सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल कहेंगे। और इसके अंदर ये नहीं है कि अपनी बारी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी दोस्तों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह का हमारा हो सकता है, ठीक है। और इसमें देखिए हमारे जो पेपर में आएगा क्वेश्चन वो किस तरह से घुमा फिरा के देंगे, वो ये देंगे कि जैसे कि क्लास के अंदर डिस्कशन चल रही है, प्रश्नोत्तरी हो रही है, तो उसमें किस तरह का कम्युनिकेशन होगा। अब देखिए अब आप बताइए मेरे को, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्लास के अंदर टीचर है, वो पर्सन पूछ रहा है, टीचर पर्सन पूछ रहा है और जो स्टूडेंट है बारी बारी अपना आंसर दे रहे, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन मॉडल होगा, आप बताइए, वो इंटरेक्टिव मॉडल होगा, ट्रांजैक्शनल होगा या फिर लीनियर कम्युनिकेशन होगा, किस तरह का कम्युनिकेशन मॉडल होगा, ये आप आंसर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना, इसी से आपका पता चलेगा कि आपने कितना क्या कुछ सीखा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ कमी है तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए।